नमस्कार, आप सुन रहे हैं मुंशी प्रेमचंद के लिखे उपन्यास गबन का भाग 22। जब रमा कोठे से धम धम नीचे उतर रहा था, उस वक्त जालपा को इसकी जरा भी शंका न हुई कि वो घर से भागा जा रहा है। पत्र तो उसने पढ़ ही लिया था। जी ऐसा झुंझला रहा था कि चलकर रमा को खूब खरी खोटी सुनाऊं। मुझसे ये छल कपट? पर एक ही क्षण में उसके भाव बदल गए। कहीं ऐसा तो नहीं हुआ है सरकारी रुपए खर्च कर डाले हों? यही बात है, रतन के रुपए सराफ को दे दिए होंगे। उस दिन रतन को देने के लिए शायद वे सरकारी रुपए उठा लाए थे। ये सोचकर उसे फिर क्रोध आया। ये मुझसे इतना पर्दा क्यों करते हैं? क्यों मुझसे बढ़कर बातें करते थे? क्या मैं इतना भी नहीं जानती कि संसार में अमीर गरीब दोनों ही होते हैं? क्या सभी स्त्रियां गहनों से लदी रहती हैं? गहने न पहनना क्या कोई पाप है? जब और जरूरी कामों से रुपए बचते हैं तो गहने भी बन जाते हैं। पेट और तन काट कर चोरी या बेईमानी करके तो गहने नहीं पहने जाते। क्या उन्होंने मुझे ऐसी गई गुजरी समझ लिया? उसने सोचा, रमा अपने कमरे में होगा, चलकर पूछूं कौन से गहने चाहते हैं। परिस्थिति की भयंकरता का अनुमान करके क्रोध की जगह उसके मन में भय का संचार हुआ। वो बड़ी तेजी से नीचे उतरी। उसे विश्वास था वो नीचे बैठे हुए इंतजार कर रहे होंगे। कमरे में आई तो उनका पता न था। साइकिल रखी हुई थी, तुरंत दरवाजे से झांका, सड़क पर भी नहीं। कहाँ चले गए? लड़के दोनों पढ़ने स्कूल गए थे। किसको भेजे कि जाकर उन्हें बुला लाए? उसके हृदय में एक अज्ञात संशय अंदरित हुआ। फौरन ऊपर गई, गले का हार और हाथ का कंगन उतार कर रूमाल में बांधा, फिर नीचे उतरी। सड़क पर आकर एक तांगा लिया और कोचवान से बोली, चुंगी कचहरी चलो। वो पछता रही थी कि मैं इतनी देर बैठी क्यों रही, क्यों ना गहने उतार कर तुरंत दे दिए। रास्ते में वो दोनों तरफ बड़े ध्यान से देखती जाती थी। क्या इतनी जल्द इतनी दूर निकल आए? शायद देर हो जाने के कारण वो भी आज तांगे पर ही गए होंगे, नहीं तो अब तक जरूर मिल गए होते। तांगे वाले से बोली, क्यों जी, अभी तुमने किसी बाबूजी को तांगे पर जाते देखा? तांगे वाले ने कहा, हाँ माई जी, एक बाबू अभी इधर ही से गए हैं। जालपा को कुछ ढांढस हुआ, रमा के पहुंचते पहुंचते वो भी पहुंच जाएगी। कोचवान से बार बार घोड़ा तेज करने को कहती। जब वो दफ्तर पहुंची तो 11 बज गए थे। कचहरी में सैकड़ों आदमी इधर उधर दौड़ रहे थे। किससे पूछे, न जाने वो कहाँ बैठते हैं। सहसा एक चपरासी दिखलाई दिया। जालपा ने उसे बुलाकर कहा, सुनो जी, जरा बाबू रमानाथ को तो बुला लाओ। चपरासी बोला, उन्हीं को बुलाने तो जा रहा हूँ, बड़े बाबू ने भेजा है। आप क्या उनके घर ही से आई हैं? जालपा बोली, हाँ मैं तो घर ही से आ रही हूँ, अभी 10 मिनट हुए वो घर से चले हैं। चपरासी ने कहा, यहाँ तो नहीं आए। जालपा बड़े असमंजस में पड़ी, वो यहाँ भी नहीं आए, रास्ते में भी नहीं मिले, तो फिर गए कहाँ? उसका दिल बांसों उछलने लगा, आंखें भर भर आने लगी। वहां बड़े बाबू के सिवाय वो और किसी को न जानती थी। उनसे बोलने का अवसर कभी ना पड़ा था, पर इस समय उसका संकोच गायब हो गया। भय के सामने मन के और सभी भाव दब जाते हैं। चपरासी से बोली, जरा बड़े बाबू से कह दो। नहीं चलो, मैं ही चलती हूँ, बड़े बाबू से कुछ बातें करनी है। जालपा का ठाट बाट और रंग ढंग देखकर चपरासी रौब में आ गया। उल्टे पांव बड़े बाबू के कमरे की ओर चला, जालपा उसके पीछे पीछे हो ली। बड़े बाबू खबर पाते ही तुरंत बाहर निकल आए। जालपा ने कदम आगे बढ़ाकर कहा, क्षमा कीजिए बाबू साहब, आपको कष्ट हुआ, वो 15-20 मिनट हुए घर से चले, क्या अभी तक यहाँ नहीं आए? रमेश बोले, अच्छा आप मिसेस रमानाथ हैं, अभी तो यहाँ नहीं आए, मगर दफ्तर के वक्त सैर सपाटे करने की तो उसकी आदत न थी। जालपा ने चपरासी की ओर ताकते हुए कहा, मैं आपसे कुछ अर्ज करना चाहती हूँ। रमेश जी बोले, तो चलो अंदर बैठो, यहाँ कब तक खड़ी रहोगी? मुझे आश्चर्य है कि वो गए कहाँ,
कहीं बैठे शतरंज खेल रहे होंगे। जालपा ने कहा, नहीं बाबूजी, मुझे ऐसा भय हो रहा है कि वो कहीं और न चले गए हों। अभी 10 मिनट हुए, उन्होंने मेरे नाम एक पुर्जा लिखा था। जेब से टटोल कर कहती है, जी हाँ, देखिए वो पुर्जा मौजूद है। आप उन पर कृपा रखते हैं तो कोई पर्दा नहीं, उनके जिम्मे कुछ सरकारी रुपए तो नहीं निकलते। रमेश ने चकित होकर कहा, क्यों, उन्होंने तुमसे कुछ नहीं कहा? जालपा बोली, कुछ नहीं, इस विषय में कभी एक शब्द भी नहीं कहा। रमेश बोले, कुछ समझ में नहीं आता। आज उन्हें 300 रुपए जमा करना है, परसों की आमदनी उन्होंने जमा नहीं की थी। नोट थे, जेब में डालकर चल दिए, बाजार में किसी ने नोट निकाल लिए। किसी और देवी की पूजा तो नहीं करते? जालपा का मुख लज्जा से नत हो गया, बोली, अगर ये ऐब होता तो आप भी उस इल्जाम से ना बचते। जेब से किसी ने निकाल लिए होंगे, मारे शर्म के मुझसे कहा ना होगा। मुझसे जरा भी कहा होता तो तुरंत रुपए निकाल कर दे देती, इसमें बात ही क्या थी? रमेश बाबू ने अविश्वास के भाव से पूछा, क्या घर में रुपए हैं? जालपा ने निशंक होकर कहा, 300 चाहिए ना, मैं अभी लिए आती हूँ। रमेश बोले, अगर वो घर पर आ गए हों तो भेज देना। जालपा आकर तांगे पर बैठी और कोचवान से चौक चलने को कहा। उसने अपना हार बेच डालने का निश्चय कर लिया। यूं उसकी कई सहेलियां थीं जिनसे उसे रुपए मिल सकते थे। स्त्रियों में बड़ा स्नेह होता है, पुरुषों की भांति उनकी मित्रता केवल पान पभों तक ही केवल पानवान तक ही समाप्त नहीं हो जाती। मगर अवसर नहीं था। सर्राफे में पहुंचकर वह सोचने लगी, किस दुकान पर जाऊं? भय हो रहा था कहीं ठगी न जाऊं। इस सिरे से उस सिरे तक चक्कर लगा आई, किसी दुकान पर जाने की हिम्मत न पड़ी। उधार वक्त भी निकला जाता था। आखिर एक दुकान पर एक बूढ़े सर्राफ को देखकर उसका संकोच कुछ कम हुआ। सर्राफ बड़ा घाघ था, जालपा की झिझक और हिचक देखकर समझ गया, अच्छा शिकार फंसा। जालपा ने हार दिखाकर कहा, आप इसे ले सकते हैं? सर्राफ ने हार को इधर उधर देखकर कहा, मुझे 4 पैसे की गुंजाइश होगी तो क्यों ना ले लूंगा, माल चोखा नहीं है। जालपा बोली, तुम्हें लेना है इसलिए माल चोखा नहीं है, बेचना होता तो चोखा होता। कितने में लोगे? सर्राफ बोला, आप ही कह दीजिए। सर्राफ ने 350 दाम लगाए और बढ़ते बढ़ते 400 तक पहुंचा। जालपा को देर हो रही थी, रुपए लिए और चल खड़ी हुई। जिस हार को उसने इतने चाव से खरीदा था, जिसकी लालसा उसे बाल्यकाल ही में उत्पन्न हो गई थी, उसे आज आधे दामों बेचकर उसे जरा भी दुख नहीं हुआ, बल्कि गर्वमय हर्ष का अनुभव हो रहा था। जिस वक्त रमा को मालूम होगा कि उसने रुपए दे दिए हैं, उन्हें कितना आनंद होगा। कहीं दफ्तर पहुंच गए हों तो बड़ा मजा हो, ये सोचती हुई वो फिर दफ्तर पहुंची। रमेश बाबू उसे देखते हुए बोले, क्या हुआ, घर पर मिले? जालपा ने बतलाया, क्या अभी तक यहाँ नहीं आए, घर तो नहीं गए? ये कहते हुए उसने नोटों का पुलिंदा रमेश बाबू की तरफ बढ़ा दिया। रमेश बाबू नोटों को गिनकर बोले, ठीक है, मगर वो अब तक कहाँ हैं? अगर ना आना था तो एक खत लिख देते, मैं तो बड़े संकट में पड़ा हुआ था। तुम बड़े वक्त से आ गई, इस वक्त तुम्हारी सूझबूझ देखकर जी खुश हो गया, यही सच्ची देवियों का धर्म है। जालपा फिर तांगे पर बैठकर घर चली तो उसे मालूम हो रहा था, मैं कुछ ऊंची हो गई हूँ। शरीर में एक विचित्र स्फूर्ति दौड़ रही थी, उसे विश्वास था वो आकर चिंतित बैठे होंगे, वो जाकर पहले उन्हें खूब आड़े हाथों लेगी और खूब लज्जित करने के बाद ये हाल कहेगी। लेकिन जब घर में पहुंची तो रमानाथ का कहीं पता न था। जागेश्वरी ने पूछा, कहाँ चली गई थी इस धूप में? जालपा बोली, एक काम से चली गई थी, आज उन्होंने भोजन नहीं किया, न जाने कहाँ चले गए। जागेश्वरी बोली, दफ्तर गए होंगे। जालपा ने कहा, नहीं दफ्तर नहीं गए, वहां से एक चपरासी पूछने आया था।
ये कहती हुई वो ऊपर चली गई। बचे हुए रुपए संदूक में रखे और पंखा झलने लगी। मारे गर्मी की देह फूंकी जा रही थी, लेकिन कान द्वार की ओर लगे थे। अभी तक उसे इसकी जरा भी शंका न थी कि रमा ने विदेश की राह ली है। 4 बजे तक तो जालपा को विशेष चिंता न हुई, लेकिन ज्यों ज्यों दिन ढलने लगा उसकी चिंता बढ़ने लगी। आखिर वह सबसे ऊंची छत पर चढ़ गई, हालांकि उसके जीर्ण होने के कारण कोई ऊपर नहीं आता था, और वहां चारों तरफ नजर दौड़ाई, लेकिन रमा किसी तरफ से आता दिखाई न दिया। जब संध्या हो गई और रमा घर न आया तो जालपा का जी घबराने लगा। कहाँ चले गए? वो दफ्तर से घर आए बिना कहीं बाहर न जाते थे। अगर किसी मित्र के घर होते तो क्या अब तक न लौटते? मालूम नहीं, जेब में कुछ है भी या नहीं। बेचारे दिन भर से न मालूम कहाँ भटक रहे होंगे। वो फिर पछताने लगी कि उनका पत्र पढ़ते ही उसने क्यों ना हार निकाल कर दे दिया, क्यों दुविधा में पड़ गई। बेचारे शर्म के मारे घर ना आते होंगे, कहाँ जाए, किससे पूछे। चिराग जल गए तो उससे न रहा गया। सोचा शायद रतन से कुछ पता चले। उसके बंगले पर गई तो मालूम हुआ आज तो वो इधर आए ही नहीं। जालपा ने उन सभी पार्कों और मैदानों को छान डाला जहां रमा के साथ वो बहुधा घूमने आया करती थी, और 9 बजते बजते निराश लौट आई। अब तक उसने अपने आंसुओं को रोका था, लेकिन घर में कदम रखते ही जब उसे मालूम हो गया कि अब तक नहीं आए हैं वो, तो वो हताश होकर बैठ गई। उसकी ये शंका अब दृढ़ हो गई कि वो जरूर कहीं चले गए। फिर भी कुछ आशा थी कि शायद मेरे पीछे आए हों और फिर चले गए हों। जाकर जागेश्वरी से पूछा, वो घर आए थे अम्मा जी? जागेश्वरी बोली, यार दोस्तों में बैठे कहीं गपशप कर रहे होंगे। घर तो सरा आए हैं, 10 बजे घर से निकले थे, अभी तक पता नहीं। जालपा ने कहा, दफ्तर से घर आकर तब वो कहीं जाते थे, आज तो आए नहीं। कहीं तो गोपी बाबू को भेज दो, जाकर देखें कहाँ रह गए। जागेश्वरी बोली, लड़के इस वक्त कहाँ देखने जाएंगे, उनका क्या ठीक है? थोड़ी देर और देख लो, फिर खाना उठाकर रख देना, कोई कहाँ तक इंतजार करे। जालपा ने इसका कुछ जवाब न दिया, दफ्तर की कोई बात उनसे न कही। जागेश्वरी सुनकर घबरा जाती और उसी वक्त रोना पीटना मच जाता। वो ऊपर जाकर लेट गई और अपने भाग्य पर रोने लगी। रह रह कर चित्त ऐसा विकल होने लगा मानो कलेजे में शूल उठ रहा हो। बार बार सोचती, अगर रात भर ना आए तो कल क्या करना होगा। जब तक कुछ पता न चले कि वो किधर गए, तब तक कोई जाए तो कहाँ जाए। आज उसके मन ने पहली बार स्वीकार किया कि ये सब उसी की करने का फल है। ये सच है कि उसने कभी आभूषणों के लिए आग्रह नहीं किया, लेकिन उसने कभी स्पष्ट रूप से मना भी तो नहीं किया था। अगर गहने चोरी जाने के बाद इतनी अधीर न हो गई होती तो आज ये दिन क्यों आता। मन की इस दुर्बल अवस्था में जालपा अपने भार से अधिक भाग अपने ऊपर लेने लगी। वो जानती थी रमा रिश्वत लेता है, नोच खसोट कर रुपए लाता है, फिर भी कभी उसने मना नहीं किया। उसने खुद क्यों अपनी कमली के बाहर पांव रखा? क्यों उसे रोज सैर सपाटे की सूझती थी? उपहारों को ले लेकर वो क्यों फूली न समाती थी? इस जिम्मेदारी को भी इस वक्त जालपा अपने ही ऊपर ले रही थी। रमानाथ ने प्रेम के वश होकर उसे प्रसन्न करने के लिए ही तो सब कुछ करते थे, युवकों का यही स्वभाव है। फिर उसने उनकी रक्षा के लिए क्या किया? क्यों उसे ये समझ न आई कि आमदनी से ज्यादा खर्च करने का दंड एक दिन भोगना पड़ेगा? अब उसे ऐसी कितनी ही बातें याद आ रही थीं जिनसे उसे रमा के मन की विकलता का परिचय पा जाना चाहिए था, पर उसने कभी उन बातों की ओर ध्यान ही न दिया। जालपा इन्हीं चिंताओं में डूबी हुई न जाने कब तक बैठी रही। जब चौकीदारों की सीटियों की आवाज उसके कानों में आई तो वो नीचे आकर जागेश्वरी से बोली, वो तो अब तक नहीं आए, आप चलकर भोजन कर लीजिए। जागेश्वरी बैठे बैठे झपकियां ले रही थी, चौंक कर बोली, कहाँ चले गए थे? जालपा ने कहा, वो तो अब तक नहीं आए।
जागेश्वरी बोली, अब तक नहीं आए? आधी रात हो गई होगी, जाते वक्त तुमसे कुछ कहा भी नहीं? जालपा ने कहा, कुछ नहीं। जागेश्वरी ने कहा, तुमने तो कुछ नहीं कहा। जालपा बोली, मैं भला क्यों कहती। जागेश्वरी ने कहा, तो मैं लाला जी को जगाऊं? जालपा बोली, इस वक्त जगाकर क्या कीजिएगा, आप चलकर कुछ खा लीजिए ना। जागेश्वरी बोल पड़ी, मुझसे अब कुछ न खाया जाएगा, ऐसा मनमौजी लड़का है कि कुछ कहा न सुना, न जाने कहाँ जाकर बैठ रहा, कम से कम कहला तो देता कि मैं इस वक्त ना आऊंगा। जागेश्वरी फिर लेट रही, मगर जालपा उसी तरह बैठी रही। यहां तक कि सारी रात गुजर गई, पहाड़ सी रात जिसका एक एक पल एक एक वर्ष के समान कट रहा था।